हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए, जानेंगे आपको एंजल नंबर्स क्यों दिख रहे हैं लगातार। ठीक है, कोई भी एंजल नंबर, मास्टर नंबर अगर आपको लगातार दिख रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। इसमें जानेंगे क्यों आपको एंजल नंबर दिख रहा है और इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है, इसके थ्रू आपको क्या डिवाइन बताने की कोशिश कर रहे हैं एंजल नंबर्स के थ्रू। तो स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग और देख लेते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। वैसे जब भी एंजल नंबर दिखते हैं ना गाइस, तो इसका मतलब होता है कि आपकी लाइफ में करंट चैलेंजेस हैं। ओके, बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में आपके पास चैलेंजेस हैं और डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं एंजल नंबर्स दिखाकर। अब किस एंजल नंबर का क्या मीनिंग हो सकता है ये रीडिंग आपको हेल्प करेगी जानने में, और हो सकता है कि आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल जाएं। तो ये रीडिंग है टाइमलेस, जब भी आप यहाँ तक पहुँचे आप देख सकते हैं, ये आपको हमेशा हेल्प करेगी। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, आर्कएंजल यूरियल, हीलर ऑफ द एजेस। मनी मैटर दिख रहा है आपके साथ। अगर आपको एंजल नंबर बहुत ज्यादा दिख रहे हैं तो राइट नाउ आपके, जैसे कि यहाँ से मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है और हमारे पास फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स का कार्ड आ गया है। ठीक है, तो आपको नंबर 315, 315, 4, ये तीन नंबर आपको काफी, तीन चार नंबर है, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 1। ये तीन तरह के नंबर आपको, तीन चार तरह के नंबर आपको बहुत ज़्यादा शो हो रहे हैं। इसके पीछे का एक तो रीज़न बिल्कुल क्लियर निकल कर आ गया, आपका फाइनेंशियल जो भी आपको लॉस हो रहा है ना, उसके रिगार्डिंग आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं। हालात आपके ठीक होते हुए भी आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। ठीक है, कुछ तो ऐसा है जो सही नहीं है। ठीक है, या तो आपके काम एक्यूरेट नहीं हो पा रहे हैं, प्रॉपर टाइमिंग पर नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर तो डिवाइन क्लियर आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने क्राउन चक्रा पर काम करना पड़ेगा। आपको स्ट्रैटेजी, जो भी आपको अपने लिए एजेंडा क्रिएट करना है, आपको करना पड़ेगा, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। आपको अपने क्राउन चक्रा पे वर्क करना पड़ेगा अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका फाइनेंशियल जो भी बैकग्राउंड है वो स्ट्रांग हो सके। क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं तो फिर ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। और अगर आप स्ट्रांग थे, अचानक से चेंजेस आ गए आपके काम के अंदर, या आपकी जो भी आपकी परफॉर्मेंस है, या जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा था उसमें अब चेंजेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो स्ट्रैटेजी बदलने की ज़रूरत है। आप एक ही स्ट्रैटेजी से लाइफ टाइम तक प्रॉफिट नहीं ले सकते हो। हमें टाइम टाइम पर अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ता है, कुछ नया ऐड करना पड़ता है, कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी। कभी कभी तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट के लिए जॉब भी स्विच करना पड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास एक्सपीरियंस है, अब हम थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं। तो हम अपनी कंपनी जो भी जिसमें हम काम कर रहे होते हैं हम उसको स्विच कर लेते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप बिजनेस के एनहांसमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ कॉम्पोनेंट्स उसके अंदर ऐड करते हैं। तो यही सारी बातें हैं कि आप लॉस में हैं राइट नाउ, बिकॉज आप अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बदल रहे हैं, आप अपने क्राउन चक्रा को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ आपकी हीलिंग आपके करियर में मुझे अच्छी नहीं होती हुई दिख रही है, खासकर तो पैसों के मामलों में। तो ये आपके लिए यहाँ पर एक, अगर आपको 1, 3, 4, 5 नंबर दिख रहा है, इट मीन्स आपको आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं अपने करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो कि एक अच्छा मतलब ये अच्छी न्यूज़ नहीं है। ठीक है, आपके लिए 44 नंबर वी हैव हियर एंड वी हैव द नंबर ऑफ 14, नंबर 5 अटैचमेंट, 44, 5 एंड 14, फिर से सेम नंबर रिपीट हुए, अब नंबर 7 और ऐड हो गया है। लव लाइफ के लिए राइट नाउ बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवरथिंकिंग कर रहे हो, नो डाउट कि आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। यू नीड टू ना ब्रिंग पीस इन योर लाइफ राइट नाउ, आपको पीस की जरूरत है। इवन आपका लव कनेक्शन भी सिक्योर है,
यहाँ पे दो तरह के मैसेजेस आए हैं आपको एंजल नंबर जिसके रिगार्डिंग दिख रहे हैं, फर्स्ट योर करियर, सेकंड योर लव लाइफ। तो लव लाइफ में आपका किसी के साथ भी अगर कनेक्शन है तो वो काफ़ी स्ट्रांग है राइट नाउ, तो आपको ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नंबर 7 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, इट मीन्स कि आपको ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके कनेक्शन पर है, आपके रिलेशनशिप पर है, तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। 14 नंबर यहाँ पर आया है केयरिंग कनेक्शन, जो कि क्लियर बता रहा है कि आपका लव कनेक्शन बहुत स्ट्रांग बन चुका है, आपकी अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग हो चुकी है और आपके पर्सन को पता है आप उन्हें दिल से प्यार करते हो। तो दोनों ही कंडीशन जो आई हैं निकल कर, आपको दोनों के लिए ये कार्ड है रेस्ट एंड रेजोनेशन। इट मीन्स आपको मेडिटेशन, थोड़ा पीस अपनी लाइफ में लेकर आने की ज़रूरत है, तभी आप ये थोड़ा बहुत भी जो स्ट्रेस बन रहा है इसको दूर कर पाएंगे अपनी लाइफ से। मेजर जो दिक्कत है आपकी लव लाइफ में नहीं दिख रही है इस टाइम, आपके करियर में दिख रही है, आपके पैसों को लेकर। केयरफुल हैंडलिंग नहीं करनी आ रही है और ठीक से स्ट्रैटेजी नहीं बना पा रहे हो। आज से ही बना लो गाइस, अभी से बना लो, बल्कि काम अपने सारे करो। एक एक दिन में जितने काम आपके लिए लिखे गए हैं या आपको करने हैं, आपको पता है, तो वो सारे करो, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहना आपको, अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ो, थोड़ी सी नई स्ट्रैटेजी बनाओ, थोड़ा स्किल्स को डेवलप करो। इसकी डिमांड है, यूनिवर्स डिमांड कर रहे हैं आपसे कि आपको थोड़ा अपना अपने आप को इम्प्रूव करना है, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू गो अहेड। यू हैव वन कार्ड, इवन टू कार्ड्स, डिस्कवरी का कार्ड है, ऑक्यूशंस 9 और नंबर 2 मिलकर बन जाते हैं 11 नंबर। देखो आपके करियर में, मैं फिर से बोल रही हूँ, एज वी कैन सी हियर कपल है हमारे पास, तो यस आपको अपने कनेक्शन को लेकर, और हमारे पास हार्ट भी है यहाँ पर, आपको अपने कनेक्शन को लेकर ज़्यादा ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। कनेक्शन के लिए सन है, सन साइन है, ठीक है, तो यानी कि आपके कनेक्शन पर तो ऑलरेडी काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स हैं, कनेक्शन में अच्छा हो रहा है, तो मैनिफेस्ट बहुत खुश होकर करें। बट आपको अपने करियर में तो आपको डिस्कवर करना है, यू रियली नीड टू इम्प्रूव योर स्किल्स राइट नाउ। स्ट्रैटेजी बनाइए, स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, कुछ तो ऐसा कीजिए। आपके भाग्य में ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ऊँचाइयाँ छू पाएंगे, बहुत आगे तक जा पाएंगे, ठीक है, पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। आपके भाग्य में कुछ इस तरह की बातें लिखी हैं, लेकिन आपको डिस्कवर तो करना पड़ेगा ना, बैठे बिठाए आप वर्ल्ड एक्सप्लोर नहीं कर सकते। आपके भाग्य में पैसा भी है, जैसे कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आपका अपना खुद का बिजनेस एक दिन स्टार्ट होगा, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो आपको क्या ही करना है, आपको अपने लिए गुड लक खुद से लेकर आना है, करियर में बैठे बिठाए कुछ नहीं होने वाला है। और कार्ड आ गया स्केप, लोगों से स्केप हो जाइए, ठीक है, और अपने कर्मों पर, अपने काम पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए कि आपको क्या क्रिएट करना है, क्या काम करना है, इन चीज़ों पर, ठीक है। यस गाइस, मुझे लगता है कि आपके लाइफ में भी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं थोड़ी बहुत भी, वो सिर्फ और सिर्फ आपके फाइनेंशियल जो कॉन्स्टेंट्स आए हुए हैं इसी की वजह से आई हुई है, अदरवाइज तो आप अच्छा कर रहे हैं। झगड़ों से बचाएं अपने आप को, झगड़े वगैरह, ठीक है, नहीं करना है, और जितना हो सके अपनी लाइफ में आप इम्प्रूवमेंट्स पर फोकस कीजिए, क्योंकि एंजल नंबर बार बार आपको दिख रहे हैं कि आप कुछ चेंजेस लाएं अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपने आप को देखें, अपना क्राउन चाक्रा बैलेंस करें, ओवर थिंकिंग ना करें, ठीक है, क्योंकि काफ़ी अच्छा टाइम आप अट्रैक्ट कर रहे हो, बस थोड़ा पीस नहीं है आपके पास, इसको आप मेंटेन करो, अच्छे से लेकर आओ अपनी लाइफ में, तो देखना आप थोड़ा रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा आपके करियर में। कभी कभी होता है कि हमारा गुड लक ही नहीं होता हमारे साथ कभी, क्योंकि ना अच्छे बुरे दिन, देखो हर इंसान को हर दिन देखना पड़ेगा, अगर उसके लाइफ में अच्छे दिन आए हैं तो एक टाइम पे उसको कुछ स्ट्रगल भी देखना पड़ सकता है, स्ट्रगल के बाद उसको कुछ प्रॉफिट भी मिलेगा, ठीक है, मतलब ये साइकिल चलती है, जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ऐसे ही सुख दुख ऐसा होता है। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि अच्छा टाइम नहीं होगा आपके फेवर में, नहीं होगा टाइम तो आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिला, लेकिन अब वक्त आ गया है कि कब तक ऐसा चलेगा, अब ऐसा नहीं चलना चाहिए ना,
तो आपको क्या करना है, आपको अच्छी स्ट्रैटेजी बना के उसको फॉलो करना है। तो जितना भी ये जो आप स्ट्रगल फेस कर रहे हैं राइट नाउ, ये बिल्कुल रिकवर हो जाएगा, ये आपकी लाइफ से हट जाएगा। क्योंकि अगर हर चीज हम डेस्टिनी पर ही छोड़ देंगे तो फिर हमारे कर्मों का क्या फायदा है ना। तो अपनी डेस्टिनी को ब्यूटीफुल बनाने के लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। या आपको सच में कुछ डिस्कवर करना है, जैसे कि वहां पे टूटता हुआ तारा दिख रहा है ना, तो आपको कुछ डिस्कवर करना है, आपकी विशेष तो पूरी हो जाएगी। न्यू बिगनिंग चाहते हो तो आपको करना पड़ेगा। और डिवाइन दिखाई एंजल नंबर इसलिए रहे कि आप सीरियस हो जाओ अपने करियर को लेकर, अपने डिवाइन पर्पस को लेकर, ठीक है। और देखो आप में क्या कमी है। ये शेडो कार्ड यही बता रहे हैं कि आपको देखना है कि आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई हुई है, वो सही है या नहीं है, उसमें क्या ऐड करना है, क्या रिमूव करना है, ये चीज़ें आपको सीखनी है, ठीक है। एंड तभी आपकी विशेष भी पूरी हो जाएगी। क्लियर है, सारे कार्ड्स बहुत क्लियर आए हैं। कनेक्शन को लेके बिल्कुल भी फिक्र ना करें, ठीक है। ये ऑलरेडी अपने करियर में बिजी हैं और आपको भी अपने करियर में बिजी होना चाहिए, ठीक है। विशेष तो आपकी सारी पूरी हो जाएगी, डोंट वरी। बस अपने देखो आपने क्या, अपना पूरा सुबह से लेके शाम तक का आपने क्या डिसाइड करते हो, क्या वो चीज़ें पूरी हो पाती है या नहीं हो पाती है, इस चीज़ पर फोकस करो। इस तरह से देखोगे सोचोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया लगेगा कि भगवान क्यों आपको बार 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 एंजल नंबर दिखा रहे हैं। तो सिर्फ दिखाने से ही काम नहीं बन जाएगा, आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। टाइम टू मूव ऑन करना पड़ेगा झगड़ों वगैरह से, ठीक है, पर्पस से नहीं। जो जो आपको चेंज लाना है उसके लिए आपको थोड़ा सा चेंजेस खुद की भी लाइफ में लेकर आना पड़ेगा। और बहुत ध्यान से शब्दों को चुने, कहें, सुने, क्योंकि जो आप कहोगे सुनोगे वो आपकी डेस्टिनी बन जाएगी। तो पॉजिटिव रहिए ऑल द टाइम और अपने लाइफ को चेंज करने की पूरी कोशिश कीजिए। आप अपने कंफर्ट जोन में मत रहिए अभी। अपने क्राउन चक्रा को बैलेंस कर अपने करियर को अभी ज़्यादा मैनिफेस्ट कीजिए। लव लाइफ तो आपकी सिक्योर दिख रही है एकदम। ओके, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। तो अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर।